तो महंगाई समेत कई मोर्चों पर विफल रहने वाली पाकिस्तान की सरकार ने आखिरकार अपनी जनता को थोड़ी सी राहत दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में कहा जा रहा है कि 18.5 रुपए पाकिस्तानी जो करेंसी है वो, और डीजल की कीमतों में 40.54 रुपए प्रति लीटर की कटौती की बात कही गई है। पड़ोसी देश की सरकार ने यह फैसला लिया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी के बाद। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार महंगाई बढ़ रही थी। मई जून महीने में कई बार पेट्रोल और डीजल के रेट्स में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार पर हमला बोला। पाक सरकार ने अब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में आ रही कमी का हवाला देते हुए कीमतों को कम कर दिया है। पड़ोसी देश में पेट्रोल अब हो गया है 250.24 रुपए पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से, मैं आपको बता रही हूं, और डीजल की जो कीमत है पर लीटर के हिसाब से हो गई है 236 रुपए पर लीटर पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से। एक अलग से खोज की बात अब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि झीलों के शहर नैनीताल के टिफिन टॉप नाम के पर्यटन स्थल पर एक अमेरिकी मशरूम मिला है। इसे खोजा है नैनीताल में रहने वाले नेचर फोटोग्राफर और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अनूप शाह ने। अनूप ट्रैकिंग के दौरान टिफिन टॉप पर जब पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक लाल रंग का ये मशरूम देखा। जरा तस्वीरें देखिए एक बार, उसकी तस्वीरें ली, ये ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से लाल नजर आया, जबकि आमतौर पर मशरूम ऐसे होते नहीं है। अनूप का दावा भी ये है कि अमेरिकी मशरूम बोलेटस है ये, और आमतौर पर पूर्वी अमेरिका के जंगलों में इसे पाया जाता है। मशरूम के बारे में पुष्टि करने के लिए अनूप ने इसकी तस्वीरों को अपने मित्र और मशरूम पर स्टडी करने वाले डॉक्टर निर्मल एस के हर्ष को भेज दिया। डॉक्टर हर्ष फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिटायर हैं और डॉक्टर हर्ष ने इसकी पहचान की है बोलेटस के रूप में। हालांकि इसका जो पूरा नाम है वो है बोलेटस रूब्रोफ्लेमियस। ये खास किस्म का मशरूम है जिसके बारे में खूब चर्चाएं सोशल मीडिया पर भी हैं। एक अजीब सी खबर और बताने जा रहे हैं हम आपको, राजस्थान से खबर है, दौसा की ये खबर है, जहां एक महिला ने अपने पति के साथ जब उसकी अनबन हो गई तो अपने ही घर में चोरी करवा डाली। जी हां, पुलिस को सूचना ये मिली थी कि शहर के गिरिराज धरण मंदिर के पास 17,50,000 रुपए और करीब 8,00,000 रुपए के जेवरातों की चोरी हुई है। जांच के बाद पुलिस को चौंकाने वाले सुराग हाथ लगने लगे। तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो पुलिस को पता ये चला कि चोरी घर की मालकिन ने खुद ही करवा डाली है, क्योंकि उसका अपने पति के साथ झगड़ा हो गया था। चोरी के लिए उसने अपने मायके में रह रहे एक परिचित का सहारा लिया था। तो दौसा में रहने वाली विमलेश ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बहन के 17,50,000 रुपए और खुद के करीब 8,00,000 रुपए के गहने चोरी हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर डाली। पुलिस को संदेह यह हुआ कि इस वारदात में घर का कोई सदस्य जरूर शामिल है, जिसके बाद पुलिस को संदेह हुआ और उसी आधार पर पीड़ित विमलेश की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने पूरे मामले का खुलासा कर डाला है, जिसके बाद पुलिस आरती की निशानदेही पर मुख्य आरोपी ऋषिकेश मीणा और रामकेश, उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों विमलेश के ससुराल पद्मपुरा में रहते थे और जब पुलिस वहां पहुंची तो दोनों वहीं मिल गए, जहां से दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हीं की निशानदेही पर 16,66,500 रुपए कैश मिल गए और ज्यादातर जो जेवर था जो उस महिला का चोरी हुआ था वो भी वहीं से बरामद कर लिया गया है। जानकारी ये मिली है कि जो महिला थी अपने पति से बहुत नाराज थी, झगड़ा हुआ था और उसी वजह से इस महिला ने इस पूरी की पूरी कहानी को रच डाला था।